गाइस कैसे आप लोग। आज हम लोग गाइस फिर से बात करने वाले हैं अजय देवगन के फिल्म श्रृंगम 3 के बारे में। यहाँ पर गाइस मतलब कि आप लोग कहते हैं ना कि कोई टीजर ना आया है, ना इसका कोई ट्रेलर आया है, देखिए भाई कोई वीडियोस नहीं आई है। पोस्टर तो भाई दुनिया भर के यहाँ पर आपको देखने मिल जाए श्रृंगम 3 का। लेकिन तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो श्रृंगम 3 की गाइस कुछ कुछ जो सीन थी वो लीक हुआ करती है भाई। ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये ऐसी फिल्म है जो रोडवेज पे गाइस मतलब कि कितनी ज्यादा सीन जो वो लीक हो रही है भाई जबरदस्त। इससे क्या होता है भाई, हाइप जो बन रहा है, हाइप इंक्रीज हो रहा है भाई। ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। जब आप लोग कह देते कि भाई बिना टीजर के बिना ट्रेलर के इस मूवी का जो हाइप है वो बहुत ही जबरदस्त है, आसमान छू रहा है। बात करने का भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इससे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट। एंड गाइस आपको बताते चलूँ कि इस समय आप लोग कह सकते हैं कि कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है भूल भुलैया 3, इसका ऑफिशियल जो टीजर है ना गाइस वो आ चुका है। एंड टीजर को देखने के बाद लोग कह रहे हैं भाई सिंगम 3 बहुत खतरे में। देखो भाई टीजर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया है कि वो कह रहे भाई कि अब हम फिल्म देखने जाएंगे भूल भुलैया। आपको पता है दोनों फिल्म साथ में रिलीज हो रही है दिवाली के मौके पर। तो भाई लोगों का कहना है भाई सिंगम 3 जो वो खतरे में भाई, इसकी डेट जो वो आगे कर दो भाई, ये सही रहेगा। लेकिन जब भाई आप लोग ये देखिए कि भाई अजय देवगन की जो फिल्म सिंगम 3, इसके दो जैसे कि दो पार्ट, जो पहले सिंगम सिंगम अगेन, ये दो पार्ट किस तरह से भाई ब्लॉकबस्टर हुए, आप लोग कह सकते भाई जबरदस्त। आप लोग ये देखिए कि अभी सिंगम 3 का टीजर नहीं आया है लेकिन फिर भी हाइप जो है ना, हाइप भाई भूल भुलैया क्या कुछ भी नहीं भाई सिंगम 3 के आगे, भूल भुलैया कुछ भी नहीं भाई। हाइप चेक करो कि हाइप आसमान छू रहा है, टीजर तो आने दो भाई, तब देखना क्या धमाका होता है सिंगम 3 का। भाई टीजर अभी नहीं रिलीज हुआ है फिर भी आप देखिए कि किस तरह का फैंस भी इंतजार कर रहे हैं। और भाई आप लोग कह सकते भाई कुछ ही दिनों में आपको टीजर देखने मिल जाएंगे, जी हाँ गाइस बहुत कम दिन। आप लोग कहते भाई मुझे लग रहा है फर्स्ट वीकेंड में ही आपको अंदर, फर्स्ट वीकेंड के अंदर में गाइस आपको टीजर देखने मिल जाएंगे गाइस। यहाँ पर गाइस आप लोग कहते भाई जी की जबरदस्त यहाँ पर अपडेट ये सामने निकल कर आए हैं भाई साहब। मतलब कि यार यहाँ पर भूल भुलैया के जो मेकर थे वो चाहते भाई पहले सिंघम का टीजर आए, और सिंघम के जो मेकर है वो चाहते पहले भूल भुलैया 3 का टीजर आए। तो भाई यहाँ पर अब तो भूल भुलैया 3 का टीजर आ गया है एंड सिंघम 3 का जो टीजर वो बस आने वाला है। आप थोड़ा सा वेट करो, जैसे आप लोगों ने महीनों 2 महीनों वेट किए हैं, थोड़ा सा और वेट करना होगा आपको, टीजर गाइज वो देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर गाइज अगर हम लोग बात करें कि सिंघम 3 में जो कैमियो था सलमान खान का, भाई क्या ये कैमियो है या फिर गाइस एक रूमर्स थे उस ही निकल गया जो मैं मैंने आपको बताया था। भाई साहब किस तरह का मतलब कि किस तरह का भाई यहाँ पर हल्ला हुआ कि भाई सलमान खान आ रहे इस फिल्म में। मैं खुद शौक था भाई कि सलमान खान अभी इतना बिजी अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर, और वो कैसे भाई यहाँ पर मतलब कि आ रहे हैं मतलब कैमियो करने के लिए। और सलमान ने पहले बताया कि अब मैं किसी फिल्म में कैमियो नहीं करने वाला हूँ। पता नहीं कैसे आज की ये जो अफवाह है, ये जो झूठ है गाइस, से कितना ज्यादा वायरल हो गया। सलमान खान की वजह से सिंघम 3 का हाइप जो गाइस वो डबल ट्रिपल हो गया। तो भाई मतलब कि यहाँ पर आप लोग कहते थे कि यार किस तरह का झूठ बोला गया हम लोगों से हाई लेवल का। रोहित जो भाई क्या नाम था उनका जो डायरेक्टर है वो ऐसा कह रहे भाई कि एक फोर व्हीलर उड़ती हुई आ रही है, और वो कह रहे भाई इसमें किसी का कैमियो हो। अब आप लोग बताओ किसका कैमियो हो सकता है। तो भाई यहाँ पर कुछ फैंस का कहना भाई यहाँ पर जो चुलबुल पांडे ही आ रही इस कार में, मतलब कि यार यहाँ पर किस तरीके का लेवल, किस लेवल का झूठ बोला गया। मतलब कि रोहित शेट्टी का जो दिमाग है वो जबरदस्त है भाई, कि वो कह रहे हैं भाई कि अब आप खुद गेस करो कि कौन आ रहा है, कितने लोगों ने सलमान खान का नाम लिया, और सलमान खान का नाम लेने के बाद ही किस तरह का भाई हाइप यहाँ पर इंक्रीज हो गया, जबरदस्त है भाई जबरदस्त। और भाई देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये रोहित शेट्टी बता भी नहीं रहे भाई कौन है मतलब कि इस कार में। भाई राज रहेगा तो भाई लोग सिनेमा घर तक वो पैदल जाएंगे जरूर देखने के लिए फिल्म को। ये एक राज है और राज की तरह रहेगा भाई, बाद में पता चलेगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो में गैस पता चलेगा भाई कौन है इस कार में, किसका कैमियो है जबरदस्त भाई। तो कहना चाहूंगा भाई ये जो न्यूज थी ये एक फेक न्यूज थी, सलमान खान नहीं आ रहे फिल्म में, साफ साफ मेरा कहना है। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सलमान खान नहीं आ रहे इससे फिल्म में। ठीक तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अगर आपको थोड़ी भी पीछे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखना एंड बाय बाय।